सरकार बोलती है हमारे परदादा जी एवरेज 100 साल जिए, दादाजी 90 जिए, पिताजी 80 जिए, 2022 में आपकी 60 निर्धारित कर रखी थी, इस साल 55 कर दी। कितनी कर दी? 55। ऐसा क्यों हो गया? 100 से 55 आ गया, आपका खान पीन बिगड़ गया। हर जगह आप देखो एक ही आवाज सुनने को मिलती है, वहां इतना घी पकड़ा गया, वहां इतना तेल पकड़ा गया। अभी नोएडा में टाटा के नाम से चाय पत्ती बिक रही थी, नमक बिक रहा था, बहुत सारी चीजें नकली पकड़ी जा रही है और वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती है, इसलिए आपकी एज डाउन होती जा रही है। ये सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं। लेकिन आरसीएम की पहली विशेषता यह है, आरसीएम को इसलिए करना चाहिए कि आपको यहां शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, और मैं आपसे विश्वास दिला सकता हूं आपको कि अगर आप इसका 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फिर वापस आप अपनी एज को 100 तक टच करने की ताकत रखते हैं। मैं जब जॉब में था, अगर मैं वो फोटो आपको दिखाऊं ना मेरा, तो मैं मेरी मिसेज को बोलता हूं अगर मैं जॉब में होता मैं अभी तक बूढ़ा हो जाता, और ये रियल है। अगर आप मेरा पहला फोटो देखोगे मैं अब तक बूढ़ा हो जाता, और दो कान ऊपर के वही हैं, उनमें आदमी टाइम के पहले बूढ़ा हो जाता है। इसमें आदमी बूढ़ा नहीं होता, ये स्मार्ट वर्क है, ये ओरिजिनल है, नेचुरल है। ओरिजिनल नेचुरल, ओरिजिनल और नेचुरल। मैं अभी अपनी जो एज का रनिंग साल जी रहा हूं वो 56 है। सरकार ने के हिसाब से उन्होंने मेरे, वो तो कह चुके थे कि तुम्हें तो अभी रहना नहीं चाहिए था भारत में, क्योंकि वो तो 55 बोल रहे हैं, 55 जीरो बहुत है, मैं तो 56 पे हूं। बस ये कमाल है आरसीएम के प्रोडक्ट, ये कमाल। तो करेंगे। अब प्रश्न आता है कि इससे फायदा क्या होगा 100% करने से? आपका ऑटोमेटिक डायमंड क्लब हो जाएगा, जिसके लिए आप परेशान रहते हो। एक तो एज अच्छी हो जाएगी। अच्छा, लंबी आयु कितने लोग जीना चाहते हैं? लंबी, पता है क्यों जीनी चाहिए? ये योनि वापस मिलने में 84 लाख राउंड घूमना पड़ता है। कितना? 84 लाख। पूछना जिनको भी, आप जो आपके धर्म गुरु हो या शास्त्रों में, वापस अगर मनुष्य बनना 84 लाख का चक्कर है ये। 84 होता और भी ठीक था, 84,000 भी नहीं, 8400 भी नहीं, 84 लाख। और आपको पता है कुत्ता 15 साल जीता है, सबसे कम आयु कुत्ता जीता है 15 साल, घोड़ा जीता है 45 साल, हाथी जीता है 70 साल, कछुआ जीता है 125 साल, अभी तो 4 हुई है। कितनी हुई है? 4। घूमना कितना है? 84 लाख। दोबारा चांस बहुत कम है, चक्कर लंबा है। तो इसलिए सबसे पहला धन्यवाद उसको इस बात का देना चाहिए कि उसने आपको इंसान बनाया। अच्छा, हाथ का तो उसका ही था ना मामला, कुछ भी बना सकता था, 2 की जगह 4 पैरों पे भेज देता, आप क्या कर लेते उसका? क्योंकि उसने तो लिख रखा है श्रीमद् भागवत गीता में, जो तू चाहता है वो होता नहीं, होता वो ही है जो मैं चाहता हूं। तो धन्यवाद देना चाहिए ना, उसने आपको इंसान बनाने का सोचा। और दूसरा, अगर इंसान बन ही गए तो हमेशा खुश रहो, क्योंकि इंसान को ही उसने मुस्कुराने की ताकत दे रखी है। इंसान के अलावा किसी योनि को उसने मुस्कुराने की ताकत नहीं दे रखी। आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं। अगर आपको भैंस मुस्कुराते हुए दिख जाए तो समझना वो आदमी बनने के प्रोसेस में है।
और आदमी अगर हंसना बंद कर दे नहीं मैं आगे नहीं कहना चाहता। तो इसलिए इंसान हो खुश रहो, क्योंकि जिंदगी के जिन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हो खुश रहने की जगह बची नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जिंदगी हंसी के साथ जीना चाहते हो तो आरसीएम प्लेटफॉर्म आपका स्वागत है। आज त्योहार है, अभी दीपावली आएगी। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया, वहां 3 दिन का त्योहार था, प्रोग्राम में लोग आए लेकिन जिन्हें मेन त्योहार में जाना था वो नहीं आया। और मैं हमेशा कहता हूं त्योहार त्योहार तभी है जब आपकी जेब भरी है। अगर जेब में पैसा नहीं है वो त्योहार किसी काम का नहीं है, चाहे वो दीपावली हो, होली हो या दशहरा हो। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो वो त्योहार किस काम का। त्योहार तो तब त्योहार है आपकी जेब भरी हुई हो। बहुत लोग कहते हैं अभी दीपावली आएगी, देखना 5-7 दिन आरसीएम में काम ही नहीं करेंगे, दीपावली की तैयारी करेंगे। उस 5 दिन में आरसीएम में ज्यादा काम करो ताकि आपकी 7 पीढ़ियों तक हर रोज वो दीवाली। आप मेरा कभी मेरी मिसेज से पूछना या कंपनी से पूछना, मैंने शुरू के 5 साल कोई भी त्योहार घर में नहीं मनाया मेरा, या तो ट्रेन में मना या बस में मना या फ्लाइट में मना, एक भी त्योहार मैंने घर नहीं मनाया। और अब हर त्योहार में घर बनाता, ये आरसीएम की ताकत है।